हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे मैथ्स। मैथ्स में चैप्टर नंबर 2, नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। ये जो चैप्टर नंबर 2 है, इसका हम आज रिवीजन करेंगे और पूरा रिवीजन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट एंड राइट द नंबर इन। ये जो बॉक्स दिए हैं उसमें हमें काउंट करके नंबर लिखना है। तो फर्स्ट है स्टार, काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 स्टार। फिर सर्कल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम यहाँ लिखेंगे 8। फिर है एरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हम यहाँ लिखेंगे 7। फिर है ट्राइंगल, 1, 2, 3, यहाँ लिखेंगे 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, काउंट द पिक्चर्स एंड पुट सर्कल अराउंड द करेक्ट नंबर। यहाँ पे पिक्चर्स है वो हमें काउंट करना है और नीचे हमने 4 नंबर दिए हैं, जो राइट नंबर है उन पे हम सर्कल कर लेंगे। तो यहाँ लॉलीपॉप दिया है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 नंबर ये रहा, यहाँ पे हम सर्कल करेंगे। फिर है आइसक्रीम कोन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 पे सर्कल करेंगे। फिर है ये ट्री, 1, 2, 3, 4। तो 4 पे हम सर्कल करेंगे। फिर है बलून, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 पे हम सर्कल करेंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड पुट राइट 4 मोर एंड क्रॉस फ्रॉम लेस इन द गिवन बॉक्स। आपको क्या करना है, मोर, मोर मतलब ज़्यादा, जो ज़्यादा है उन पे हमें राइट करना है। एंड जो लेस है उन पे हम क्रॉस करेंगे। तो चलो देखते हैं पिक्चर्स में। यहाँ गमला दिया हुआ है, उसमें फ्लावर्स हैं। तो ये 1, 2 फ्लावर्स है और ये 1, 2, 3, 4 फ्लावर्स है। तो कौन मोर कौन है, ज़्यादा कौन है, ये वाला। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे और ये कम है, लेस है, तो यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। फिर यहाँ पे 2 ग्लास दिए हुए हैं, 2 ग्लास में पानी भरा है, तो ये ज़्यादा पानी और ये कम है, ये ज़्यादा है मतलब मोर है, तो यहाँ पे राइट करेंगे, और ये कम है तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, मैच द करेक्ट पेयर। आपको ये पिक्चर्स काउंट करके मैच करना है। तो चलो देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 पे हम मैच करेंगे। फिर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हम 8 पे मैच करेंगे। फिर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पे मैच करेंगे। फिर है 1, 2, 3, 4, 5। तो ये रहा 5, 5 पे मैच करेंगे। फिर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ 9 पे हम मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मेक ग्रुप ऑफ बिट्स एज पेयर द नंबर। यहाँ पे हमने नंबर दिया है और यहाँ पे बिट्स दिए हैं, तो ये जो नंबर है इनका हमने ग्रुप बनाना है। तो यहाँ 6 है तो 6 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ तक हम एक ग्रुप बना लेंगे, ये 6 का ग्रुप हो गया। अब ये यहाँ है 8, तो 8 काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ हमने एक ग्रुप बना लिया।
फिर है 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक हमने एक ग्रुप बना लिया। फिर है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ हमने एक 7 का ग्रुप बना लिया। इसे ही आपको करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द मिसिंग नंबर। हमें मिसिंग नंबर राइट करने, तो 2 से पहले क्या आता है 1 नंबर, 2 के बाद 3, फिर 4, 5 के बाद 6, 7, 8 के बाद 9, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7। अभी 2 के पहले कौन सा नंबर आता है, सॉरी 3 के पहले कौन सा नंबर आता है 2, और 2 से पहले 1, फिर है 4 के बाद 5 एंड 6, फिर है 7, तो 7 से पहले कौन सा नंबर आएगा 6 नंबर, और 7 के बाद 8 एंड उसके बाद 9, फिर है 5, तो 5 से पहले 4, और 5 के बाद 6, 7 एंड 8। अब है क्वेश्चन नंबर 7, डू अस डायरेक्ट। तो जो हमने यह इंस्ट्रक्शन दिए वैसे हम करेंगे। फर्स्ट है राइट द मिसिंग नंबर, यहाँ पे मिसिंग नंबर करना है 1, 2, 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3, 4 के बाद 5 एंड 6, फिर 5 है 5 के बाद 6, 7 के बाद 8। अब सेकंड है पुट अराउंड द ग्रेटर नंबर, जो ग्रेटर नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है उन पे हम सर्कल करेंगे। यहाँ पे 6 और 8 दिया है, तो 6 बड़ा है या 8, यस 8, तो 8 पे सर्कल करेंगे। फिर है 9 एंड 4, कौन बड़ा हुआ 9, फिर है 7, 8, तो 8 बड़ा हुआ, 2 एंड 5, तो 5 बड़ा हुआ। थर्ड में क्या करना है, पुट अराउंड द सिमिलर नंबर्स, सॉरी स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसमें हमें ट्राइंगल करना है। 4 छोटा है या 8, तो 4, तो हम यहाँ पे ट्राइंगल बनाएंगे। फिर 7 एंड 6, तो कौन छोटा हुआ 6, यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाएंगे। फिर 5 एंड 9, 5 छोटा है तो 5 पे ट्राइंगल बनाएंगे। फिर है 3 एंड 7, तो 3 पे हम ट्राइंगल बनाएंगे। फिर है राइट द जस्ट प्रेजेंटिंग नंबर, उसी से 7 के पहले क्या आएगा 6, और 4 के आगे 3 एंड 9 के आगे 8। फिर है राइट द जस्ट सजेस्टिंग नंबर, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3, 6 के बाद 7, और 8 के बाद 9। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कंप्लीट हुआ।